मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम शुच। हरे कृष्ण मित्रों, तो जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही समझा कि ये श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। तो मित्रों, आज हम लोग ऐसी महान शख्सियत से मिलने वाले हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मधुर आवाज दी है और उसी मधुर आवाज में श्रीमद् भगवत गीता भी कही है। साथ ही साथ साईं बाबा के प्रवचन भी उन्होंने अपनी आवाज में दिए हैं, साईं बाबा की आवाज में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पवन शुक्ला सर की, who is the voice behind Shri Krishna, Sai Baba and many other great characters. So, चलिए हम लोग उनको वेलकम करते हैं। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कैसे हो अभी? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे शो में आए। यू आर अ ग्रेट पर्सनालिटी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अब पहले तो आप बताइए, आप कहाँ से हैं? और रिट से मैंने बहुत कुछ सुना है आपके बारे में, पहले संक्षिप्त में आप बताइए आप क्या कर रहे हैं। ओके सर, तो मैं तो अभी इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ और मीन्स बाय प्रोफेशन मैं एक ऑथर हूँ, एंकर हूँ और एक्टर हूँ, और साथ ही साथ मोटिवेशन भी मैं लोगों को देता रहता हूँ फेसबुक के माध्यम से, और साथ ही साथ सेलिब्रिटी कॉर्नर विद अविये जो मेरा छोटा सा प्लेटफॉर्म है, इसका मैं होस्ट हूँ। और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आप जैसी जितनी भी ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं उनके अनुभव जान पाता हूँ। और आपकी उम्र क्या है अभी? सर, मैं अभी 11 साल का हूँ। आप 11 साल के हो, मुझे कॉम्प्लेक्स दे रहे। 11 साल में तो पैजामे के नाड़ा भी नहीं लगा पाता था मैं ठीक से। सर, ये आपका मीन्स आशीर्वाद है और सारे दर्शकों का प्यार है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, क्योंकि उनकी कृपा की बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, आपने तो स्वयं गीता कही है कि अध्याय 10 श्लोक 8 में, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। हाँ, तो कृष्ण का बालक रूप तो मैं अपने सामने ही देख रहा हूँ भाई। सर, ये मेरा सौभाग्य है सर। और सर, आज हमारे सारे गेस्ट जितने भी हैं, सारे जितने भी दर्शक हैं, वो सब आपको गुड इवनिंग कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तो उन सब की तरफ से आपको नमस्कार सर। सारे मध्य प्रदेश वासियों को मेरा प्रणाम, इंदौर के वासियों को मेरा प्रणाम, प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पहले तो मैं और मेरे जितने भी दर्शक हैं वो ये जानना चाहेंगे सर कि आपकी जर्नी क्या है, मीन्स आप आज इस मुकाम पर हैं और आपने सर इतनी ग्रेट वॉइसेस दी हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड और साथ में साईं बाबा जो शिरडी में इतने महान थे वो भी, तो सर ऐसे ग्रेट कैरेक्टर्स की आपने आवाज दी है, तो सर ये वॉइस आर्टिस्ट आप इतने ग्रेट हैं, तो ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, और कैसे आप आज इस मुकाम पर आए? बेटा, पहले तो रॉक एंड रोल सिस्टम चलता था और पूरा का पूरा सीन एक साथ करना पड़ता था, एक मिस्टेक हो गई तो यू हैव टू डू द होल सीन अगेन, तो बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो मेरे भाई साहब ने, बड़े भाई साहब हैं ऋषभ शुक्ला, उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया था, तो मैं पकड़ ही नहीं पाया, उसको कैच ही नहीं कर पाया और एक वर्ड नहीं बोल पाया, और उसके बाद मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने कहा ये ऐसी क्या चीज है जो मैं नहीं कर सकता, और फिर मैं लगा खूब जूझा उसके साथ काफी सालों, और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि वह अपना प्रेम कैदी में मुझे हरीश का डबिंग करने को मिला, करिश्मा और हरीश की पहली फिल्म, फिर तकदीर वाला और फिर बड़ी बड़ी फिल्म में तो साई बाबा और उससे पहले कृष्णा, उससे पहले भी रामायण में भी मैंने किया है, कुछ छोटा मोटा करता था, तब मैंने इंट्रोड्यूस हुए थे हम। हाँ, तब वहां पे स्टूडियो नहीं हुआ करता था, तो पापा जी अपने अपने बंगले में जहाँ पे उनका स्टडी रूम था, जहाँ मतलब महाभारत और रामायण की ऐसी कोई भी भाषा नहीं होगी जो जिसकी पुस्तक वहां पे नहीं रखी होगी, सारा रिसर्च वर्क करते थे बिल्कुल, और वहाँ बूम माइक लगा के पतला सा, हम लोग स्टार्ट करते ही थे डबिंग डिनर के बाद, मतलब रात को 9 बजे के बाद, बिकॉज उस समय ट्रैफिक का शोर वोर काफी कम हो जाता था, तो उसके बाद हम लोग शुरू करते थे डबिंग, और फिर वो पूरी पूरी रात, कई बार ऐसा होता था कि सुबह सुबह आते थे,
वहां से शुरू। वाओ दैट्स रियली ग्रेट सर। देखिए सीएम शर्मा सर लिख रहे हैं वाओ, रिट्स टाइम डैरल जी लिख रही हैं वाओ, अक्षत पाटीदार जी लिख रहे हैं यस। तो सर सभी लोगों को मीन्स आज बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि सर सच में ये आपका बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस है। तो सर आपको वॉइस आर्टिस्ट दिए उस समय एक बहुत ही मीन्स इसके बारे में बहुत कम लोगों को इस फील्ड के बारे में पता था, तो सर आपको इस फील्ड में आने की इंस्पिरेशन कैसे मिली और आप कैसे इस फील्ड में आए, कैसी आपको प्रेरणा मिली, ये हम जानना चाहेंगे। प्रेरणा स्रोत मेरी माँ ही थी, और उन्होंने मुझे हमेशा कहा था कि एक अच्छा एक्टर बनना है तो बेटा तुम्हें हर माध्यम से वाकिफ होना बहुत जरूरी हो, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे फिल्में हो, चाहे हॉलीवुड फिल्में हो, चाहे थिएटर हो, यहाँ तक कि मैं असिस्टेंट बना सावन कुमार टाकी का एक फिल्म में, प्रीति फिल्म था। तो मैं सब कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा उसके बाद, और मेरे पास ऑप्शन नहीं था बिकॉज पिताजी का मेरा बहुत कम उम्र में, जब मैं 8 साल का था तब देहांत हो गया था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बस मैं बॉम्बे आया आफ्टर 8th स्टैंडर्ड, और उसके बाद मैं बस थिएटर करने लगा और धीरे धीरे डबिंग करने लगा, और छोटी मोटी डबिंग से स्टार्ट करके फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा और करते करते बड़ी बड़ी डबिंग करने लगा। वाह सर सच में बहुत ही ये अच्छा था। तो सर आपसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि एक वॉइस आर्टिस्ट एज अ वॉइस आर्टिस्ट आप हमें बताइए कि प्रैक्टिस कितनी जरूरी होती है इस फील्ड में, और आपको अगर किसी भी किरदार के दिया जाए आपको तो उसकी प्रैक्टिस आप कैसे करते थे, हम जानना चाहेंगे। किसी प्रैक्टिस तो देखिए, आप जैसे एक फौज में होता है, हमारे बॉर्डर में चाहे युद्ध हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, पाकिस्तान हो चाहे चाइना बॉर्डर पे, हमारे जवान हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। तो उसी तरह एक्टिंग भी है, एक्टिंग लाइन है चाहे वॉइसिंग लाइन है, आप हमेशा रेडी रहें 24 आवर्स में भी, कभी भी कोई भी फोन आए, आपको बुलावा आए, आप पहले तो मेंटली प्रिपेयर रहे, फिजिकली प्रिपेयर रहे, अपने आप को फिट रखें, सही संतुलित भोजन करें, आहार लें, और गले को हमेशा अच्छा रखते हैं, ओम की प्रैक्टिस करें सुबह सुबह, और ये सारी चीजों से हमेशा तैयारी में आप रहे, कब बुलावा आ जाएगा यू नेवर नो। और दूसरा सवाल क्या था अभी तुम्हारा? सर मैं बस मेरा यही जानना था कि आप मीन्स जैसे कि हाँ आपको अलग हाँ अलग किरदार मिलते थे तो आप प्रैक्टिस कैसे करते थे। बस यही था, हम लोग हमेशा तैयार रहते थे, और जैसा किरदार मिला उसमें हम अपने आप को ढाल देते थे। जैसे कृष्ण भगवान का था तो बिल्कुल कृष्णमय होके जाते थे, लगता था कि अब बस भगवान का आशीर्वाद है, उनसे आशीर्वाद मांगते थे, और जैसे सरदबन जी ने बोला है वैसे ही घुस जाते थे उस किरदार में, और फील करते थे कि कोई ईश्वरीय आत्मा, कुछ ईश्वरीय बात आ गई है, और अब इस दुनिया में कोई ऐसी आवाज नहीं होगी, ऐसी आवाज मधुर आवाज हमें निकालनी जो इस संसार की आवाज नहीं, कहीं किसी और दुनिया की आवाज लगे। तो वो एक इंस्पिरेशन ईश्वरी देता, ईश्वरी कराता है, वरना लाखों करोड़ों लोग हैं, एक मैं मुझे ही चुना, और वो भी इतना सुपर डुपर हिट हुआ, कृष्णा साईं बाबा इतना सुपर डुपर, मतलब आज तक का हिस्ट्री कि इतना गजब का कोई नहीं बना। बिल्कुल सर मैंने खुद पूरे लॉकडाउन में श्री कृष्णा देखा है और मैं आपका इतना बड़ा फैन बन गया सर सच में। थैंक यू थैंक, हम तो फैन तुम्हारे भाई, तुम्हारे इतनी तुमने अचीव किया इतनी छोटी सी उम्र में, गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। तो सर आपने अब बात श्री कृष्णा सीरियल की छेड़ ही दी है तो उससे मैं जानना चाहूंगा कि सर श्री कृष्णा सीरियल के बारे में हमें थोड़ा बताइए, क्योंकि जैसा कि मैंने सीरियल को ऑब्जर्व किया है ये बिल्कुल ही साधारण सीरियल नहीं था, मीन्स यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो परमात्मा है, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अना राधर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सर बिल्कुल इतने महान भगवान श्री कृष्ण उनकी व्याख्या हम भौतिक शब्दों से तो कर ही नहीं सकते, तो सर इतना ये डिवाइन सीरियल था तो इसमें पहले आप बताइए कि आपकी रामानंद सागर सर से जो इतने महान है उनसे आपकी भेंट कैसे हुई, आपका मीन्स आप कैसे श्री कृष्ण की आवाज के लिए चुने गए, आप मीन्स कैसे आपने आवाज दी, तो ये सब मैं जानना चाहूंगा सर आपसे क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मीन्स इंक्विजिटिव हूँ मैं, बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, आप बताइए सर।
हाँ बेटा, उससे पहले मैं काफी अभी काम वाम कर चुका था, मेरा नाम हो जी गया था, लोग जानने लगे थे कि कम उम्र का लड़का है जो बड़ी अच्छी रवि कर रहा है। तो मुझे वहां के इंचार्ज थे मिस्टर जवाहर बहान, तो उनका कॉल आया कि पवन कल हम लोग कृष्ण का ऑडिशन लेने वाले हैं, श्री कृष्ण सीरियल बन रहा है, रामानंद सागर जी डायरेक्ट करेंगे, तो आप 10 बजे आ जाइए। तो हमने कहा ठीक है, मैं सोचा दो चार और लोग होंगे। तो जब मैं 10 बजे पहुंचा तो देखा कि कम से कम मतलब सैकड़ों लोगों की लाइन लगी, इंडस्ट्री का कोई भी ऐसा नहीं था जो वहां पे ऑडिशन के लिए नहीं आया था। कुछ बहुत सीनियर थे, तो कुछ बहुत नए थे, कुछ मेरे समकक्ष थे। तो मैंने कहा ये तो बहुत टाइम लगेगा, तो काफी देर में बैठा रहा। उसके बाद फिर मैं जवाहर बहन के पास गया, मैंने कहा भाई ऐसा है मेरी डबिंग है, मैं करके आता हूँ क्योंकि अभी तो वक्त लगेगा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ पवन नो प्रॉब्लम, आप अपनी डबिंग निपटा के आइए। फिर 2:30 बजे मैं अपनी डबिंग अभी कंप्लीट करके आया, तब भी लाइन छोटी नहीं हो रही, लंबी लाइन होती जा रही होती जा रही। मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है। खैर मेरा अच्छा, मैं एक चीज मांग कर रहा था कि हर आदमी बड़े ही उत्साह के साथ, जैसे एक्टर्स होते हैं बड़े उत्साही होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं और सभी बहुत अच्छा काम जानते थे, लेकिन बड़े उत्साह से जाते थे लेकिन एक आधे मिनट में वापस आ जाते थे। तो मैंने पूछा कि भाई कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो कह रहे कुछ नहीं पवन भाई, अंदर जाते हैं, पेपर वहां पे रखा रहता है, वो जवाहर बहन कहते हैं बस टाइम मत लो टाइम मत लो, फटाफट बोलना शुरू करो बोलना शुरू करो। और जैसे एक लाइन बोलते हैं दो लाइन बोलते हैं, वो कहते हैं बस बस तुम्हारा रिकॉर्ड कर लिया, अब जाइए हम बताएंगे आप। तो हमने ठीक है, तो तब तक मैंने अपना माइंड सेट कर लिया कि मुझे क्या करना है। मेरा नंबर आया कुछ 5:30-6 बजे के आसपास आया, मैं घुसा अंदर, तो मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया कि पापा जी भी आ गए होंगे वहां। अब वो आए थे जुगिया वस्त्र एकदम लुंगी उनकी जुगिया और जुगिया कुर्ता और रुद्राक्ष की बहुत सारी मालाएं, मतलब एकदम ही विराट स्वरूप था पापा जी का। तो मैं गया प्रणाम किया, जल्दी से बैठा अपने अंदर रिकॉर्डिंग रूम में गया, वहां पेपर रखा था। जौहर भन फटाक से बोले, रुद्रा जी थे हमारे रिकॉर्डिस्ट सारथी हमारे, तो फटाक से बोलने लगे जल्दी करो पापा जी के पास टाइम नहीं, वो जो पेपर रखा है बस उसको उठाओ पढ़ना शुरू करो। तो मैं फिर भी पढ़ने लगा, मैंने थोड़ा इग्नोर किया, मैं अपना देखने लगा। कह रहे पवन क्या कर रहे हो, पापा जी के पास टाइम नहीं बेटा जल्दी करो। मैंने कहा एक मिनट सर जवाहर बहन जी प्लीज, ये कृष्ण के डायलॉग है अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो कहने लगा अरे आपको पता नहीं सुबह से ऑडिशन चल रहा है कृष्ण का। तो मैंने कहा सर मैं तो समझ जाऊँ कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, मैं अगर कृष्ण करूंगा एटलीस्ट मुझे समझने तो दीजिए कृष्ण क्या कह रहे हैं, लाखों करोड़ों को मैं क्या क्या समझाऊंगा, मुझे तो कृपया समझ जाने दीजिए। तो पापा जी धीरे से झुके, उन्होंने बटन दबाया, पुत्र टेक योर ओन टाइम। अब उन्होंने बोल तो दिया लेकिन मेरे तो धड़कने बढ़ी हुई थी, मैं जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू किया पढ़ना शुरू किया। अब वो आधे ही मिनट में जवाहर बहन फिर पवन हो गया रेडी रेडी, वो कंटिन्यूस बोल ही रहे थे। फिर काफी देर बाद फिर मैंने कहा कि चलिए सर मैं कोशिश करता हूँ, 2 मिनट 2.5 मिनट लिया होगा मैंने। तो कहने लगे बोलो। अब मुझे लग रहा था कि अभी जैसे मैंने सुना था सारे वॉइस आर्टिस्टों से कि अब 1-2 लाइन बुलवाते हैं उसके बाद कहते जाओ बता दे बताएंगे हम बताएंगे। तो मैं बैक ऑफ माइंड चल रहा था कि मैं 2 लाइनें बोलूंगा ये अभी कहेंगे जाओ जाओ हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब पूरा मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, पूरा कृष्णमय हो गया, फील किया, भगवान का आशीर्वाद दिया और मैंने बोलना शुरू किया। और मैं बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ, बोलते 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 पूरा पेज में बोल गया। और मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं तो सबसे सुना था 1-2 लाइन में कट कर देते हैं, अब मैं पूरा पेज बोल दिया। सामने देख रहा हूँ तो मिरर के उधर से मुझे दिख रहा है पापा जी और जवाहर बहन और रुद्रा जी सारे लोग सन्नाटे में। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, उसके बाद धीरे से पापा जी झुके, बटन दबाया, उत्तर यू आर माय कृष्ण फाइनल, और कह के चले गए। डिसाइड कर लिया कि अब पवन ही करेगा करेक्टर, उसके बाद चले ही गए वो। तो जवाहर बहन बोले नहीं नहीं रुको, इतनी लंबी लाइन है तुम इंतजार करो बाहर बैठो, सब लोग बुरा मान जाएंगे, बहुत सारे लोग आए हुए। तो ऐसे ही शुरुआत हुई थी। ग्रेट सर, सच में आपने मींस इतना सुंदर जो व्याख्यान दिया पूरा की कैसे हुआ। और सर जो बहुत ही अमेजिंग रहा ये, तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब
श्री कृष्णा का आप ये मधुर आवाज करते थे, तो आपके मन में क्या रहता था और आपके मस्तिष्क में क्या रहता था जो आपकी जुबान पर आता था और हम सब लाखों करोड़ों दर्शकों को, लाखों करोड़ों भक्तों को जो हम भगवान कृष्ण के मुख से सुनते थे, तो सर आपके मन और मस्तिष्क में क्या रहता था ये जानना चाहेंगे उसमें। सबसे पहले तो यही था कि मुझे पहले तो सरदमन जी का स्टाइल क्या है, पहले तो ओ उनका तरीका क्या है, बोलने का अंदाज क्या है, किस शब्दों पे वो स्ट्रेस करते हैं तो वहां पे अंडरलाइन कर लिया, किन शब्दों को जल्दी बोल जाते हैं, किन शब्दों में ठहराव रखते हैं, तो उनका स्टाइल सुना एक दो बार मैंने, बहुत काफी उसको आत्मसात जी किया। उसके बाद फिर मैंने अपना कृष्णमय वॉइस देने की कोशिश की, और मुझे बोला गया था पापा जी की तरफ से। और इससे पहले हुआ क्या था कि ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, एक दो जी एपिसोड आए थे कृष्ण के जो सरदमन जी की आवाज किसी और ने डब की थी, तो शायद कोई बात रही होगी, कुछ किसी वजहों से पसंद नहीं आया होगा या जो भी कारण रहा होगा। उसके बाद फिर मुझे बुलाया गया, ये ऑडिशन हुआ लंबा ओ चौड़ा। तो फिर खैर वो शुरुआत में हमेशा कृष्ण में, उसके बाद पहले तो सरदमन जी का सुन लेता था, समझ लेता था उनके पॉजेज और सब कुछ। उसके बाद फिर मैं अपने आप को पवन शुक्ला से उतार के कृष्णमय होकर एकदम उनका स्टाइल बोलने का और कृष्ण भगवान की आवाज, उन दोनों को आत्मसात करके एकदम करेक्टर में घुस जाता था और फिर आवाज निकलती थी कृष्ण की। वाह। और सर वही आवाज लाखों करोड़ों भक्तों तक पहुंचती थी जो आपकी इस मधुर आवाज को सुनकर ही अपने आप को बहुत ही तृप्त समझते हैं, और उसमें से एक मैं भी हूँ। और आज ये मेरा अखंड सौभाग्य है कि आपका मुझे साक्षात्कार हो रहा है। तो सर बिल्कुल आपने जैसा कि बताया कि सरदमन सर का एक अलग ही स्टाइल था, मीन्स उनकी एक अलग मुस्कुराने का एक अलग स्टाइल बिल्कुल था, उनके जो लिपसिंग का एक अलग स्टाइल था बोलने का। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि बहुत लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, मीन्स आपकी आवाज उनसे इतनी मिक्स हो गई थी, उनकी लिपसिंग के साथ इतनी मिक्स हो गई थी कि जब मैं कृष्णा देख रहा था तो एक बार को तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था। और बहुत लोग कंफ्यूज हो भी जाते हैं कि क्या श्री कृष्णा और साईं बाबा में आपकी ही आवाज है। और सर देखिए हमारे यहाँ विनीता मैम भी जुड़ी थी, उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा है, बट समटाइम्स वी कंफ्यूज दैट दिस इज योर वॉइस। तो सर आप बिल्कुल बताइए, आप इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए, क्या ये आपकी ही वॉइस है? क्योंकि बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं, ये सरदमन जी की ही आवाज है, नहीं ये मुकुल जी की ही आवाज है। तो सर आप इस कंफ्यूजन को आज क्लियर कर दीजिए हमारे इस माध्यम से। ये तो दर्शकों का मैं कॉम्प्लीमेंट मानता हूं कि वो मानते ही नहीं कि मैंने सरदमन जी की डबिंग की, मैंने मुकुलनाथ जी के लिए डब किया। अच्छा, जो आर्टिस्ट होता है ना बेटा, बहुत जरूरी है एक वॉइस आर्टिस्ट को अच्छा आर्टिस्ट होना। आर्टिस्ट अगर बिल्कुल अच्छा है तो किसी भी करेक्टर में घुस के उसमें आत्मसात हो जाता है, जुड़ जाता है उस करेक्टर से। तो बिल्कुल कृष्ण की बिल्कुल ही अलग अंदाज था, एकदम ही सॉफ्ट मधुर पतली आवाज थी, और साईं बाबा में एकदम मतलब एक आम आदमी की तरह, एक फिलोसोफर की तरह, एक फकीर की तरह, वो गुस्सा भी होते जी थे तो बच्चे से बात करते थे, तोके से बात करते थे, अरे रे 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 रे, अरे शिवन आया, अरे मेरा दोस्त, अरे मेरे दोस्त, आओ आओ बैठो 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 बैठो, कितना एकदम बच्चे में, बच्चों के साथ बच्चे हो जाते थे, कहीं रो रहे हैं, कहीं चिल्ला रहे हैं, कहीं चिंगार रहे हैं कि भगवान से बात कर, तो उसमें ज्यादा कठिन था। और मुकुलनाथ जो बोलते थे, कभी तो बड़ा स्लो बोलते थे आराम से, कभी एकदम से फास्ट बोलना शुरू करते थे, फिर एक ही लाइन बिल्कुल में एकदम स्लो हो जाते, तो उनको स्पीड को फॉलो करने में बड़ी दिक्कत होती थी। अब अपना ये तो बहुत सरदमन जी बढ़िया बोलते थे और उनका बड़ा बिल्कुल पता आसानी से, उसमें मैं पूरा कृष्णमय होके अच्छी तरीके से उनको निभा जाता था, लेकिन साईं बाबा कठिन था, बहुत कठिन था। और ओ मेरे और अच्छा आर्टिस्ट वही है, डबिंग आर्टिस्ट, जो करेक्टर में ऐसा घुस जाए कि लगे ही नहीं कि ये साईं बाबा ने नहीं किया है, मुकुल ने नहीं किया है, या सरदमन ने नहीं किया है, किसी और ने, ऐसा जाहिर हो जाए तो फिर हमारा हमारी कलाकारी फिर काहे की, वो वाली बात है। अच्छा वाह आर्टिस्ट सर होता ग्रेट, है बिल्कुल, अच्छा डबिंग आर्टिस्ट तो पता ही नहीं चलने दे। अभी कमाल। केजीएफ में, अभी केजीएफ में देखिए, तीन करेक्टर मैंने किए। शुरुआत में वो जो चीफ एडिटर है प्रेस का, जो मेन हेड है, फिर वो जो हीरो को, हीरो का चाचा है जो उसको डॉन बनाता है पूरे, और उसके हाँ बाद एक एंड में जो मुंशी है जो कहता है अरे साहब को किसी ने मार दिया, मार दिया। तीन करेक्टर किए, तीनों अलग अलग वेरिएशन है, पता ही नहीं चलता। तो वाह
करेक्टर में घुस जाना चाहिए। मेन है कि उसको करेक्टर क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, बिल्कुल उसको घुस जाना चाहिए करेक्टर में, आपके साथ कर ले। वाओ सर, बहुत ही यहाँ पर आपने उम्दा बात बताई है। और सर एक बार मैं चाहूंगा कि आप भगवान श्री कृष्ण का भगवत गीता में से कोई भी एक अभी आप अपना जो उपदेश है वो अगर आप सुना देंगे तो हम सभी लोग तृप्त मानेंगे अपने आप को सर, क्योंकि आपकी आवाज ही इतनी ग्रेट है और सारे लोगों को पता भी चल जाएगा कि ये आपकी इतनी मधुर आवाज है, तो प्लीज सर आप सुनाइए। कौन सा वाला सुनना चाहते? एक तो नैनम छिंदन की शस्त्राणी है जी, एक तो वो है, और नैनम छिंदन की सुना दूं मैं वही? बिल्कुल सर, बहुत ही सारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। या शिशुपाल वाला है एक मेरे पास जो लिखा है। ओ सर, आप नैनम छिंदन की आप सुना दीजिए। हाँ वो तो रट गया मैं, क्योंकि हर चैनल में इतना बोला है मैंने। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदेन्त्यापो, न चोष्यति मारुतः। हे पार्थ, ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसे ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, न वायु सुखा सकती है, और ना ही अग्नि जला सकती है। सर सच में बहुत ही मधुर आवाज है, और सच में सर मुझे तो लगता है उतने समय के लिए भगवान श्री कृष्ण ही आपकी जीभा पर विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि सर इतना सुंदर ये श्लोक है, भगवत गीता के अध्याय 2 का ये 23rd श्लोक है, और सर बहुत ही सुंदर है, इवन मुझे भी ये श्लोक बहुत पसंद है, और सर आपकी आवाज एकदम उसमें इतना सुंदर लग रही थी जब आप रथ के सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण थे और उसमें आपकी इतनी सुंदर आवाज। तो सर जैसा कि मैंने कहा कि मुझे तो लगता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपके जीवा पर विराजमान हो जाते थे, तो सर क्या आपके साथ भी रिकॉर्ड करते समय या आवाज देते समय ऐसे कोई आपको डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए हैं, या कोई ऐसी डिवाइन घटना आपके साथ हुई हो वाइल द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, या जब आप कृष्ण जी की आवाज दे रहे हैं? बहुत बार ऐसा होता है, कृष्ण है, साई है, तो ये एक बार एक अनुभव नहीं है, ये एक बार नहीं, और ये मैं ऐसी चीजें हैं जो मैं शेयर नहीं करूंगा इस प्लेटफॉर्म में, लेकिन मेरे घर के मेंबर्स जानते हैं कि कितनी सारी घटनाएं हुई जब साईं और कृष्ण ने एकदम हाथों हाथ उठा लिया, और साफ लगता है कि जैसे सही कृष्ण हैं, साईं हैं, ये कोई किताबों में बंद नहीं है, ये आज भी हैं, आप बस पुकारने वाला चाहिए, दिल से पुकारे तो वो निश्चित रूप से 100%। वाओ, बहुत ही ग्रेट सर, मींस सच में भगवान श्री कृष्ण साईं जी बहुत ही साईं बाबा महान है सर सच में, और आपकी आवाज सुनकर तो हमें बहुत ही आनंद आता है श्री कृष्ण में और जितने भी आपके उसमें है। तो सर अब मैं पूछना चाहूंगा साईं बाबा के बारे में, क्योंकि सर साईं बाबा मींस एक बहुत ही डिफरेंट सीरियल था, उसमें जैसा कि आपने भी कहा कि अलग अलग भावों को आपको मींस अपनी आवाज में लाना होता था, तो सर आप वो कैसे करते थे, और आप सबसे पहले आपको साईं बाबा के लिए सेलेक्ट कैसे किया गया, ये भी मैं जानना चाहूंगा। हाँ अभी एक्चुअली कृष्णा सीरियल इतना ज्यादा सुपर डुपर हिट हुआ था आफ्टर रामायण कि मतलब उसके बाद एक भी कोई आर्टिस्ट साईं बाबा के उसमें नहीं था, सिर्फ आनंद सागर जी के उस समय, क्योंकि पापा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो नटराज स्टूडियो में मुझे बुलाया गया और वहां पे आनंद सागर जी आए थे और रिकॉर्डिंग शायद अमित थे या शैलेंद्र थे, शायद शैलेंद्र, तो बस इतना ही था। उन्होंने कहा कि मैं आप का काम तो मुझे पसंद है आपका, डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया आपने कृष्णा में, एक बार मैं देखना चाहता हूँ साईं बाबा की आवाज में आपकी आपका जाती है कि नहीं वॉइस। तो मैंने कहा फाइन, मैं बिल्कुल कर देता हूँ। तो एक पेज था, पूरा सीन था, बिल्कुल बाकायदा साईं बाबा मुकुल्लाद इधर से उधर घूम रहे हैं और बात कर रहे हैं चिड़ियों से, पक्षियों से और भगवान से। तो बस मैंने पूरे कृष्ण साईंमय होके बिल्कुल बोला, बिल्कुल उसी अंदाज में, और बस जैसे ही बोला तो उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने कहा वाह वेरी गुड, आपकी आवाज तो साईं बाबा में बहुत अच्छी जा रही।
मैंने सर यही तो कमाल है बस, तो कहने लगे बस आप ही करिए, क्योंकि एक विश्वास ट्रस्ट भी हो गया था कि पवन बहुत अच्छा एक कृष्णा भी किया था, तो साईं बाबा भी ये जमाएगा, और वो भगवान की साईं की कृपा थी, कृष्ण की कृपा थी कि वो भी सुपर डुपर हिट हुआ साईं। बिल्कुल सर, सच भी हम सभी लोग, साईं बाबा अभी भी आता है और हम सभी लोग उसके बहुत बड़े फैन हैं सर। बिल्कुल, और सच में आपकी वॉइस का वेरिएशंस भी इतने हैं, और सर सच में श्री कृष्ण में भी हमारे मेरे हिसाब से तो एक चैलेंज ही था, क्योंकि सर श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को चाहे अगर क्रोध में भी हूँ वह, तो एक मधुरता आवाज में कहीं ना कहीं उनको मेंटेन करके रखनी है, तो सर वो भी आपने कैसे किया आप थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि इतना बहुत ही कहीं ना कहीं वो भी एक चैलेंजिंग टास्क रहा होगा। हाँ एक्चुअली भाई वो आम मनुष्य तो है नहीं, वो तो गॉड है, कृष्ण है, भगवान है। ये काम क्रोध लोभ मोह ये तो आम आदमियों का एक गुण होते हैं, तो कृष्ण भगवान ने 100 अपराध तक उसकी माँ को वचन दिया था, तो वो बोला था कि भाई वॉर्न किया था कि हमने तुम्हारी माँ को वचन दिया इसलिए खामोश हूं मैं, लेकिन अब बस इससे ज्यादा मत बोलना, सावधान शिशुपाल, सावधान मतलब सावधान किया था, क्रोध नहीं था, चेहरे पे मुस्कुराहट थी। वो मैं बोल के बताता हूँ, जब काफी दूर थे शिशुपाल, तो उन्होंने काफी थोड़ा लाउड बोला, शिशुपाल मैंने तुम्हारी माँ को तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था, उन अपराधों की संख्या अब पूरी होने वाली है, जरा ध्यान रखो, अब एक शब्द भी आगे बोला तो वो तुम्हारा अंतिम शब्द होगा, सावधान शिशुपाल सावधान। वाह, तो बहुत ही मधुर आवाज थी सर। बिल्कुल सच में, और फिर शिशुपाल के 100 अपराध खत्म होने के बाद रासुई यज्ञ में ही भगवान ने उनका मस्तक धड़ से अलग कर दिया था। बहुत ही सुंदर ये वाक्य था, जब हमने टीवी पर भी देखा था, और बहुत ही अच्छा सर हमें आपकी लगा। तो सर अब आप बताइए कि आपने मींस खाली आपने माइथोलॉजिकल वॉइसेस ही नहीं दी हैं, आपने अलग अलग मूवीज में भी आवाजें दी हैं, आपने बहुत सारे कार्टून्स में भी आवाजें दी हैं, मींस जैसे कि अगर हम बात करें हनुमान जी की, या बहुत लोगों को नहीं पता स्टार वॉर्स के बारे में भी, उसके बारे में भी हम सर से अलग से पूछेंगे, तो सर आपने इतने अलग अलग मींस हम बोल सकते हैं सेक्टर्स में वॉइसेस दी हैं, एक माइथोलॉजिकल बिल्कुल ही थोड़ा डिवाइन अपना रखना पड़ता, और एक बिल्कुल ही बच्चों का, तो सर आप अपनी इतनी डिफरेंट वॉइसेस कैसे देते हैं, और वॉइस में इतने मॉड्यूलेशंस जो इतने सुंदर लगते हैं वो कैसे लाते हैं सर? बिल्कुल, देखो करेक्टर पे वॉइस सबसे पहले तो जैसे हॉलीवुड की फिल्में हैं, जैसे ये मैंने हमेशा ये स्टार वॉर में एनाकिन के जो गुरु हैं वो भी वैद, हर जगह मैंने ही किया है ज्यादातर, मतलब 90% मैंने किया है, चाहे कोई ऐसी फिल्म रही होगी शायद जो मैंने नहीं की हो, लेकिन हमेशा ओबी वैन गुरु मैंने ही किया है। तो उसमें एक तो गुरु है और कमांडर है, कमांडिंग आवाज है, तो वो ऑर्डरिंग वाली है ना, सिंह मेरी आवाज सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो एकदम ऑर्डर की, मतलब गुरु भी है और उसके फौजियों वाली बात भी, क्योंकि बहुत ही बड़े योद्धा थे वो, लड़ने बिल्कुल माहिर थे, तो वो एक करेक्टर को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एनाकिन है, उनके गुरु हैं, और प्लस इतने तगड़े फाइटर हैं और इतने काबिल आदमी हैं, तो जाहिर से तो वो एक कलर अपने आप दिमाग में चलने लगता है और आवाज अपने आप निकलने लगती, अगर यहाँ चीज बैठ गई ना दिमाग में एक बार, तो फिर ये तो इंस्ट्रूमेंट्स है, कान है, नाक है, गला है, जैसा माइंड ऑर्डर करेगा वैसे ही गला बोलने लगेगा, तो चाहे कृष्ण के वॉइस हो, चाहे साईं की हो, चाहे एनाकिन के गुरु की हो, विवेन की, चाहे वो केजीएफ के चाचा का हो, बिल्कुल ग्रेट सर, ऑसम, आपने ये बहुत ही हमें ग्रेट चीज बताई है, और सच में सर हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो सर आप मीन्स कभी भी पब्लिक में जाते होंगे, कहीं आप फैमिली फंक्शन में गए, या फिर कभी आप दोस्तों के साथ कहीं गए, तो सर ऑब्वियसली आप जहां भी जाते हैं लोग आपकी आवाज सुनना
हमेशा ही चाहते होंगे, जैसे कि आप मेरे शो में आए तो जब मैं आपसे बात कर रहा था मैंने तभी कह दिया था कि सर आप हमें थोड़ा कुछ जरूर सुनाइएगा। तो सर आपको अपने आप को कैसे तैयार रखना पड़ता है? मीन्स ऑब्वियसली आपको हर जगह लोगों को कुछ ना कुछ अपनी मधुर आवाज में सुनाना होता होगा, तो सर आप हमें बताइए कि आप कैसे अपने आप को तैयार रखते हैं? अब बस यही है कि कुछ चीजें हैं, कुछ तैयार रखता हूं। कई बार कुछ लोग कहते हैं किसी और की आवाज में बोलो, कृष्ण की आवाज हो गई, साईं बाबा की आवाज हो गई, और किसकी आवाज आप निकाल सकते हैं। तो कुछ चीजें तैयार करनी पड़ती हैं, तो तैयार करके रखते हैं तो लोगों के वो इंटरटेन होता है। जैसे कानपुर है मेरा शहर, वहां जाता हूँ तो मेरे भाई हैं, अरुण भैया हैं, या दूसरे और भी लोग हैं, नीलम जी, कभी सब लोग बोलते ही हैं कि अमित जी की आवाज निकालने की कोशिश करो, दिलीप साहब कैसे बोलते हैं, साई बाबा कैसे हो। तो मैंने उनसे कहा भी भाई मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी इंटरटेनमेंट के लिए उनको सुना देता हूँ। ग्रेट सर। तो बिल्कुल सर मीन्स बहुत लोगों को मीन्स ऐसा लगता है कि डबिंग, सर जैसा कि आप अभी एक डबिंग आर्टिस्ट हैं, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि इस डबिंग की वजह से कहीं ना कहीं आपका फेम कम हो रहा है, आप पर्दे के सामने नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि बहुत लोगों के मन में ऐसी मानसिकता रहती है, हाँ, तो आपके इस डबिंग, पर क्या व्यूज है? हाँ एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड, मतलब मैंने अपना करियर जो शुरू किया था एज एक्टर शुरू किया था, और बॉम्बे दूरदर्शन की फिल्म ढहती बुनियादें, जिसमें हमारी हीरोइन थी उर्मिला मातुंडकर, जो आज की टॉप हीरोइन है और सांसद भी बन गई है अब तो, और पेइंग गेस्ट जो राशि प्रोडक्शन का है उसके एपिसोड नंबर 19 मैंने किया था, गेस्ट जी राशि प्रोडक्शन का। तो शुरुआत मैंने एक्टिंग से की थी, लेकिन होता क्या था उस समय काफी चैनल थे नहीं, कुछ था नहीं, सिर्फ डीडी DD1 DD2 यही थे, तो बड़ा गैप आता था, 2 महीने 3 महीने पता चला बैठे कुछ काम नहीं हो रहा है कुछ नहीं। तो उसी में मैंने फिर वॉइसिंग शुरू किया, वॉइसिंग जब शुरू की तो बहुत काम, मतलब डे नाइट वॉइसिंग में बिजी हो गए। तो लेकिन उससे एक चीज अच्छी भी कह सकते हैं, गलत भी है, ये तो तय करने वाला ईश्वर होता है, क्योंकि फिर मेरा जी एक्टिंग का छूट गया। एक्टिंग के ऑडिशन ऑडिशन मैंने जा ही नहीं पाता था, वक्त ही नहीं मिलता था उस समय, अब तो मैं दे बिल्कुल देता हूँ सर। ऑडिशन, तो कहीं ना कहीं एक्टिंग छूटती गई और डबिंग बहुत ज्यादा होती गई, ये हुआ। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं वह तो हमें ईश्वर ही रास्ता दिखाता है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सीएम सर लगातार जुड़े हैं, अक्षत हमारे साथ जुड़े हैं, सुहेल जुड़े हैं, लवली जुड़ी हैं, रिद्धि जुड़ी हैं, और साथ ही साथ सर प्रियाशा मैम भी मेरे साथ जुड़ी हैं, और मेरे सर अनिकेत राज सर भी जुड़े हैं, और वह लिख रहे हैं बचपन की यादें ताजा हो गई आवाज सुनकर, तो आप दोनों को मेरा नमस्कार मैम और सर। और सर सच में देखिए हम सभी आपकी आवाज के बहुत बड़े फैन हैं, और सर मेरे मन में एक और मीन्स जानने की इच्छा है कि भगवत गीता सर यह तो बहुत ही महान ग्रंथ है, जो 700 श्लोकों में भगवान ने पूरा इस हमारे जीवन का सार बताया है। भगवान ने बताया कि हम कौन है, परमात्मा कौन है, हमारा परमात्मा का संबंध क्या है, हमारा कर्म क्या है, भक्ति क्या है, हम भक्ति कैसे सरल तरीके से कर सकते हैं, मोक्ष के मार्ग क्या है, इतने सारे सवालों के जवाब भगवान ने 700 श्लोकों में दिए हैं। बहुत ही महान ग्रंथ है। तो सर पहले मैं जानना चाहूंगा आपके क्या व्यूज हैं इस ग्रंथ पर, भगवत गीता पर, क्योंकि आपने तो स्वयं भगवत गीता कही है, और सही, सर मैंने देखा बहुत एपिसोड कहीं ना कहीं खाली भगवत गीता पर ही फोकस किया, और वो एपिसोड्स पर्सनली मेरे फेवरेट हैं, तो सर आपसे जानना चाहूंगा। भाई आज के कलयुग में आपके मन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी परेशानी हो, XYZ किसी भी चीज से आप निष्कर्ष नहीं मिल रहा है, आपको अपने प्रश्नों के जवाब कहीं से नहीं मिल रहे हैं, कोई गुरु नहीं मिल रहा है, कोई बताने के लिए नहीं मिल रहा है, तो आप जस्ट एक कहीं से भी कोई भी एक पन्ना पलट के देख लीजिए, आप गीता के 18 अध्याय में कहीं भी कोई एक पलट के देख लीजिए, आपको अगर आपके प्रश्न का उत्तर न मिल जाए तो बोलिए, आप शांत हो जाएंगे, जितने भी विचलित हो गए आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। और मैंने तो सुना है कि अमिताभ बच्चन जी, महानायक जी, वो तो हमेशा अपने पास एक छोटी सी गीता रखते हैं, और बिल्कुल मेरी सर। सिस्टर सिस्टर ने बताया कि वो एक 5-7 स्टार होटल है, वहां पे गए थे, तो वहां पे मैनेजिंग पोस्ट पे थी मेरी बहन चिंकी, तो
उसने बताया कि पूरा होटल हम लोग साफ करवा देते थे, उनका कमरा अमरा पूरा सब साफ करवाते थे। एक टेबल थी जहाँ पे कॉर्नर में उन्होंने गीता रखा था, जहाँ फूल मालाएं अगरबत्ती वो खुद ही स्वयं जलाते थे, उस टेबल को छूने की इजाजत किसी को नहीं थी। वो कहते थे यहाँ कोई हाथ नहीं लगाया, जया जी ने भी बोला कि इस टेबल को मत छूइए। तो मतलब इतना ज्यादा मानते हैं वो, और ये बात उन्होंने कही भी है किसी प्लेटफॉर्म में कि जीवन में कोई भी आपको तकलीफ है, कोई भी बात है, गीता का कोई भी पन्ना पलट लीजिए, आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल जाए। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ही सही कहा, क्योंकि गीता के बाद अर्जुन ने भी 18वें अध्याय में कहा, मोक्ष मोहनाशम स्मृति लब्धा, माने मेरे मोह का नाश हो गया, मेरी स्मृति जो है अब वो वापस आ चुकी है। सर इतना महान ग्रंथ था, और आपने जो एक एक चैप्टर को आपकी आवाज में इतना अच्छी तरीके से समझाया है, जो आत्मा के बारे में हमने समझा, कर्मों के बारे में समझा, भक्ति योग के बारे में समझा, फिर आपने जो उल्टे वृक्ष के बारे में समझाया, सर एक एक मुझे चीज याद है, और बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैंने खुद करीब 3 बार भगवद गीता का अध्ययन किया है। Very good, और very सर वह तो एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हम सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम सबके पास एक एक भगवत गीता होनी चाहिए और हमें उसे पढ़ना भी चाहिए। तो सर भगवत गीता आपने इतना महान ग्रंथ कहा, तो सर उससे आपकी लाइफस्टाइल पे आपने क्या चेंज लाए और क्या चेंज अपने आप आ गए, ये हम जानना चाहेंगे। गीता ने हमेशा मार्गदर्शन किया है, मेरा ही नहीं, मैं समझता हूँ कि जिसने भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, या मैं कह रहा हूँ सुन लिया होगा या देख लिया होगा टेलीविजन में, और उसे कहीं भी अपने जीवन में उतारा होगा, तो उसको मार्गदर्शन मिला ही होगा, कृष्ण की कृपा मिली होगी। और कितना मतलब ये कलयुग में कैसे हमको जीवन अपना चलाना चाहिए, कैसे हमें लोगों से रिश्ते निभाने चाहिए, उसमें सारा सारा कुछ बड़ा ही विस्तार में दिया हुआ, गजब की चीज। सर आप में तो कोई बहुत भी जरूरी टॉपिक ले लीजिए, अगर आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट लीजिए, आप कोई भी फ्रेंडशिप, दुनिया का XYZ, आप कोई भी टॉपिक लेंगे, एक ना एक मिनिमम एक श्लोक भगवत गीता में उसके बारे में रहेगा ही। भगवान इतना ये महान ग्रंथ है, और इस प्लेटफॉर्म से मैं भी ये कहना चाहूंगा कि हम सभी को कहीं ना कहीं भगवत गीता जरूर 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 पढ़नी चाहिए, बहुत ही और सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी है, उसके बाद कुरान बाइबल सब वो सब बाद में आया, लेकिन वो तो गीता कब बोली गई है, बहुत पुरानी, बहुत पुरानी। बिल्कुल सर, गीता 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण ने कही थी अर्जुन को, और हमें कहीं ना कहीं ये पढ़नी चाहिए। महाभारत की भीष्म पर्व में पूरी 700 श्लोकों की महान तो हम बोल सकते हैं गीता है, यह उसमें मौजूद है, और एक एक चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज छुपा है। और सर जो श्लोक मैंने स्टार्टिंग में बोला था, सर्वधर्म परित्याज्य, वो मेरा बहुत ही पसंदीदा श्लोक है, इसलिए मैंने कहा कि कहीं ना कहीं इस शो की शुरुआत उसी श्लोक से मुझे करनी चाहिए। बहुत अच्छा बोला था, सही, बहुत अच्छा प्यारा उच्चारण था तुम्हारा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, भगवान कृष्ण की कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है, और मेरे सारे दर्शकों का प्यार है। तो सर अब आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपने ना ही सिर्फ श्री कृष्ण और साईं बाबा, बल्कि बहुत सारे शोज में, बहुत सारी मूवीज में, एनिमेटेड सीरीज में आपने आवाजें दी है, और लोगों को मेनली खाली 2 ही पता है, श्री कृष्ण और साईं बाबा। तो सर आज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज मैं imbd.com पर जब रिसर्च कर रहा था, पूरे जब मैंने आपका पढ़ा, तो इतने सारे मुझे शोज मिले जो मैं खुद देखता हूँ, बट मुझे अंदाजा भी नहीं है कि ये आपकी आवाज है। तो सर उनमें से कुछ आप हमें बताइए। जी सर, गांधी का आपने जिक्र किया था ना, वो जी सर सिविलाइजेशन 6 में, सिविलाइजेशन 6 वो एक्चुअली वहीं से मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे। हम लोगों ने डबिंग शुरू ही की थी 10:30-11:30 बजे, क्योंकि यहाँ रात के 11:30-11:30 था, लेकिन वहां मॉर्निंग हो रही थी, तो 24 घंटे का फर्क, तो वहां से इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे मुझे। बट ब्रिटिश इंग्लिश एक्चुअली मुझे नहीं समझ में आती बहुत ज्यादा ब्रिटिश इंग्लिश, तो मेरे साथ प्रशांत जी थे जो स्टूडियो के मालिक थे, तो वो
वहां पे हेडफोन पे मुझे उनकी वॉइस आ रही थी वहां पे, और प्रशांत जी मुझे समझाते जा रहे थे वो ये चाहते हैं, दे वांट टू डू लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके, और वो सारा ब्रिटिश इंग्लिश पूरा बोला। कहाँ से मिल रहे थे, इट्स फ्रॉम अमेरिका या कहाँ? हाँ वहीं से, मतलब जहाँ जो लोग प्रोड्यूसर थे उनकी ही तरफ से, वहीं से, बिकॉज मुझे। हाँ बोलो। आप हमें सर थोड़ा सा बताइए कि इसमें आपका गांधी में सिविलाइजेशन सिक्स में क्या रोल था, क्या आप थोड़ा सा भी बता दीजिए। उसमें गांधी की ही वॉइस थी, गांधी की वॉइस मैंने ही की है, और वो भी ब्रिटिश इंग्लिश में करनी थी, तो उसका प्रोनाउंसिएशन और वो सारी चीजें, हम लोगों के जो इंग्लिश होता है उसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, उनका उच्चारण अलग होता है, ब्रिटिश एक्सेंट अलग होता है, तो वो वहां से इंस्ट्रक्शंस मुझे दे रहे थे, एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, और फिर प्रशांत जी थे उन्होंने हेल्प की, इस तरीके से सारा वो हो पाया, पूरी 3-4 घंटे लग गए थे। वाओ, मतलब ऑलमोस्ट सुबह हो गई थी। हाँ ग्रेट सर, साथ ही साथ आपने हनुमान में भी विभीषण जी की वॉइस दी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ हो सकता है, मैं एक्चुअली देखा होगा तुमने। जी सर, मैंने पढ़ा है आपने हनुमान में भी विभीषण की वॉइस दी है, और साथ ही साथ सर आपने बहुत सारे सीरियल्स में, जैसे कि मैं पढ़ रहा था बाहुबली में भी द लॉस्ट लेजेंड्स में आपने खान की वॉइस दी है, तो सर सच में बहुत ही ग्रेट है सर आप। और भी कुछ सीरियल्स हों, क्योंकि देखिए साइट्स पर तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही रहती है, और कौन कौन से में फेमस सीरियल्स में आपने अपनी वॉइस दी है या एक्टिंग की है? एक जैनियों के गुरु है स्वामीनारायण, स्वामीनारायण जी, उनका भी सीरीज बहुत लंबा चला था, जो रामानंद सागर जी के ही अंडर में सारा हुआ था, तो क्या उन्होंने कहा था कि मुझे कृष्ण की ही आवाज चाहिए, तो स्पेशली मुझे बुलाया गया था, तो स्वामीनारायण जी का पूरा लंबी सीरीज थी वो, सारी वैदिक की थी, तो ऐसे बहुत। अब पहली बार जब मैं बहुत छोटा था तब पेइंग गेस्ट, सॉरी अपना प्रेम कैदी, उसमें हरीश और करिश्मा की पहली फिल्म, उसमें पहली बार मैं जब बहुत छोटा था थिएटर कर रहा था, तो वहां से किसी ने मुझे देखा, और वही एज ग्रुप थी 18 साल 19 साल, तो उन्होंने कहा कि ये लड़का ही देखे कर पाएगा कि नहीं, तो रात को आए वो 10:30 बजे, तो कहने लगे कि सब सफेद कपड़ों में खड़े थे, कहने लगे मैं डी रमा नायडू का मैनेजर हूँ, राजेश हूँ, वो एक लड़का है जो भी जब मैं प्ले में देखा मैंने, जरा आप उसको बुला देंगे, तो भैया थे उन्होंने बुलाया, तो बैठे, उन्होंने एक पेपर दिया, कहने लगे इसको विद एक्सप्रेशन पूरे इमोशंस के साथ आप बोल दीजिए, तो मैंने पढ़ा उसको अच्छी तरीके से, उन्होंने एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया, और कहने लगे आप लोग सोते तो नहीं रात में जल्दी, मैंने कहा नहीं बॉम्बे में कौन जल्दी सोता है, तो कहते मैं आधे घंटे में आता हूँ, तो कहने उन्होंने कहा ठीक है, वो गए, और वो सुनाया होगा डी रमा नायडू जी को, सुनाया होगा, भेजा होगा, जो भी किया होगा उनकी टेक्नोलॉजी जो भी, उसके बाद वो टिकट लाके मेरे हाथ में रख दिया, और कहने लगे कल की शाम की फ्लाइट है, आप हैदराबाद जा रहे हैं, तो वो एक बड़ा अजीब एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम मैं अकेले 18 साल का लड़का, 18-19 साल का, तो अकेले फ्लाइट से, और मेरी ही उम्र का हरीश थे जो सेम, तो उनको वही लड़का चाहिए था, तो फटाफट काम हो गया, एंड दे वर वेरी इम्प्रेस, इतना ज्यादा खुश हुए कि कह रहे वो तो आप साउथ इंडियन स्टाइल में इंग्लिश भी बोलते हैं ना, तो उसी तरह कह रही सर अरेंज ऑल आर्टिस्ट फ्रॉम बॉम्बे, यू हैव सीन द होल फिल्म, तो प्लीज अरेंज एवरी आर्टिस्ट फ्रॉम बॉम्बे, तो हमने कहा फाइन सर कर देता हूँ, तो भाई वहां से कॉल ऑल किया, डायरी आरी मंगाई, सबको सारे आर्टिस्टों को बुलाया, तो प्रेम कहते कि सारी डबिंग मैंने तो की, बता हरीश की तो की, लेकिन पूरी फिल्म की डबिंग मैंने करवाई थी, सारा करवा के, और उसके बाद तो जो फिल्म आई थी उनकी, उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया था, डी रामा नायडू के बेटे वेंकटेश जी को, तो वो फिल्म मैंने ही की थी, तकदीर, तकदीर वाला। ग्रेट सर। हाँ, और साउथ की तो बहुत सारी, जैसे उत्तम मोहंती एक बहुत बड़े कलाकार थे उड़िया फिल्म के, उत्तम मोहंती, उनकी हिंदी फिल्म आई थी नया जहर, हीरो थे उसमें, तो वो फिल्म भी मैंने की थी बहुत। हाँ तो बहुत सारे साउथ के, तो बहुत सारी, हमेशा ही मैं हैदराबाद चेन्नई और ऐसे जाए करता था फ्लाइट से, और बहुत सारी फिल्में की, बहुत सारी। वाओ ग्रेट सर। और सर आपने शार्ल्स कुमार का भी कैरेक्टर किया था
महाभारत में, तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस बता दीजिए सर, क्योंकि बीआर सर का वो बहुत ही महान सीरियल था जो हम सबको याद है, वो यदा यदा ही धर्मस्ते वाला सॉन्ग बिल्कुल और जो बिल्कुल आता था बहुत ही सुंदर था बिल्कुल वो भी सर। तो आपने मीन्स कैसा एक्सपीरियंस रहा था शाहरुख कुमार के कैरेक्टर में, वो हम जानना चाहेंगे। हाँ, उसके तो ऑडिशन चले, मतलब साल 1.5 साल तो केवल ऑडिशन हुए थे यहाँ पर हिमालय स्टूडियो। हाँ, तो एक एक करेक्टर को नगीने की तरह चुना गया था। तो साल 1.5 साल गोपी पेटल भाई और हम सब लोग अक्सर ही जाना होता था फिल्मालय। कभी हम लोग का लुक टेस्ट होता था, कभी वो देखते थे कि किस तरीके से कपड़ों के साथ कैसे होगा और डायलॉग के साथ कैसे होगा, फिर को आर्टिस्टो आर्टिस्टों के साथ कैसे होगा, अम्बा के साथ मैं कैसे शाल नरेश मिलेंगे और तो कैसे लगेगा। तो अम्बा अम्बा को खड़ा करके मुझे खड़ा कर, बहुत महीनों होने के बाद कई 3 4 5 6 बार करवा के उसके बाद एक एक आर्टिस्ट को फाइनल करके गोपी भाई फिर भेजते थे रवि जी, और फिर सब लोग देखते थे डिसाइड करते थे। बड़ा लंबा प्रोसीजर था, 1.5 साल चली हुई थी ओ, और उसमें 1.5 साल 1.5 साल और काफी काफी मतलब आर्टिस्ट थे उसमें, बहुत सारे आर्टिस्ट थे। सर। और कहीं ना कहीं इसलिए ही आउटकम जो हमें देखने को मिला टीवी पर, ओ मीन्स नीतीश सर और सारे मुकेश सर, आप सारे मीन्स इतने दिग्गज थे उस एक सीरियल में। और सर सच में वो ग्रंथ भी इतना महान है, माना स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार भगवान वेद व्यास जी ने उसको कंपोज किया है और भगवान गणेश जी ने उन्हें उसे लिखा है, तो इतना महान ग्रंथ था यह सच बिल्कुल में सर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही ग्रेट। और हमारे पास रेड डाइम डैरल जी की एक रिक्वेस्ट आ रही है, लिख रही हाँ है प्लीज अभी से टू सर दैट वी वांना लिसन साई बाबाज वॉइस। तो सर हाँ साई ऐसा बाबा का ये रीड कुछ साई उपदेश बाबा की को, बहुत बहुत बड़ी भक्त है भाई हमारी बिल्कुल, रीड। और सर मैं खुद हाँ भी भक्त हूँ साई बाबा का, तो आप प्लीज कोई अच्छा सा उपदेश हमें सुनाइए। और बिल्कुल सर लास्ट में वो सबका मालिक एक आप जरूर बोलिएगा, बहुत ही बिल्कुल सुंदर। बेटा बिल्कुल बेटा बिल्कुल ये दुनिया मालिक की इच्छा से चलती है, इंसान की इच्छा से नहीं। इंसान की इच्छा से चलती होती तो ये दुनिया कब की खत्म हो गई होती। नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई, जब से ये दुनिया बनी है आपस की दुश्मनी में इनकी दोस्ती हमेशा कायम रही है। और यकीन मानो, बुराई का सदा बोलबाला रहा है, बुराई की ताकत ने हमेशा अच्छाई को खदेड़ा है, लेकिन अच्छाई ने हमेशा अपनी अंदरूनी शक्तियों को इकट्ठा करके बुराई को परास्त किया है। बुरा काम करने वाले सबसे पहले अपने विवेक की हत्या करते हैं, ताकि उन्हें अच्छे बुरे में, सच्चे झूठे में, पाप में पुण्य में कोई फर्क ही दिखाई ना दे। सबका मालिक हाँ, बहुत ही सुंदर था एक। सर, और जो आपने उपदेश दिया वह भी बिल्कुल सही था, बिल्कुल सर, क्योंकि सच में सर गीता में भी भगवान कहते हैं कि इच्छाओं से काम आता है, काम से फिर क्रोध का जन्म होता है, उससे बिल्कुल हमारी स्मृति चली जाती है और बुद्धि का नाश हो जाता है और फिर धीरे धीरे मनुष्य का पतन हो जाता है। दूसरे चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ऐसा बताते हैं। और बिल्कुल सर सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात कर। और अब ये तो था प्रोफेशनल, बट अब हम आ जाते हैं पर्सनल सेक्शन ऑफ सेलिब्रिटी कॉर्नर, जो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। तो सर जरूर जरूर। आपके साथ जब हम ये खेलेंगे गेम्स तो बहुत ही अच्छा हाँ लगेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल सर सबसे पहले खेल लेते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड, इसमें आपसे जल्दी जल्दी मीन्स सवाल पूछे जाएंगे, मीन्स फास्ट फास्ट आपको आंसर देने ओके हैं। तो सर आपका फेवरेट कलर कौन सा है? बैगनी कलर बैंगनी कलर हो, मीन्स या पर्पल। आपका फेवरेट खाना कौन सा है? खाना भिंडी भिंडी, आई लाइक भिंडी वेरी मच। ओ वाह सर, भिंडी तो मुझे भी बहुत पसंद है सच में बिल्कुल सर, भिंडी
आई ऑल्सो लाइक। सर आपका फेवरेट गेम कौन सा है? क्रिकेट वाह, आपका फेवरेट प्लेयर? सचिन, ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर। वाह, मास्टर ब्लास्टर, ग्रेट हाँ, सर। आपका फेवरेट सॉन्ग? सॉन्ग तो बहुत सारे हैं फेवरेट, मतलब सिंगर अगर बोला होता तो मैं रफी साहब कहता। सॉन्ग तो बहुत सारे हैं, देयर लॉट मेनी सॉन्ग्स। सर रफी साहब का कोई सॉन्ग? हाँ, जैसे इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, वाह वो गाना सर, अच्छा आप है। किसी भी सॉन्ग की दो लाइन गुनगुना देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा सर। यही यही सुना देता हूँ। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। इंसान का इंसान से हो भाई चारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। वाह कोई लाइन सर, बोलो तो। बहुत ही सुंदर। हाँ, बिल्कुल सर, आपने लेकिन इन दो लाइनों में ही इतनी मधुर आवाज है आपकी, और उसे जब संगीत में हम लोग फिर होते हैं तो अत्यंत ही उत्कृष्ट आउटकम आता है उसका। तो सर आपसे जानना चाहेंगे आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवी मुगले आजम या मदर इंडिया बोल सकते हैं। हकीकत भी ओके, एक देशभक्ति, अगर देशभक्ति की बात करें हकीकत फिल्म बहुत अच्छी थी। और अकबर की बात करें तो मुगले आजम, अपने देश की बात करें तो मदर इंडिया। अलग अलग टॉपिक की अलग अलग फिल्म्स हैं जो ओके। एक्टर आपका फेवरेट एक्टर कौन है सर? दिलीप कुमार, ऑफ कोर्स दिलीप कुमार। दिलीप कुमार सर, सच में ही वो अपने आप में एक ग्रेट पर्सनालिटी थे। तुम देखो ना बेटा, दिलीप कुमार जब आए उससे पहले की जो एक्टिंग होती थी कैसे होती थी। तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। खाना खाओगे? खाना खा लिया। तो मतलब उस टाइप की एक्टिंग हुआ करे। दिलीप साहब जब आए तब उन्होंने ट्रेंड चेंज कर दिया, पूरा बिल्कुल सर, इट सब वॉज कुछ ए बदल दिया। रिवॉल्यूशन हाँ, ऑफ द रिवॉल्यूशन आपके डेफिनेटली। सर, और उसके वो बाद सच। दिलीप साहब के बाद जितने भी एक्टर आए तो वो दिलीप साहब से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। यहाँ तक कि महानायक जी अपने आप को शिष्य ही समझते बिल्कुल हैं, अपने आप को चेला समझते हैं दिलीप कुमार के। धर्मेंद्र जी, राजेंद्र कुमार, राजेश का सभी, एवरीबडी वॉज मतलब आज भी इंस्पायर्ड है वो लोग दिलीप साहब से। और बिल्कुल सर, उनकी जो फिल्में हैं गजब की, अगर वो लोग देखें तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, जो बहुत अच्छी फिल्म। बिल्कुल सर। और सच में उन्होंने एक रिवॉल्यूशन लाया था, अगर हम लोग इंडियन सिनेमा की बात करें तो उसमें। बिल्कुल। अच्छा सर, अब मेरा अगला जो सवाल है वह है कि आपकी फेवरेट प्लेस क्या है? पहले आप इंडिया का बताइए। प्लेस बेटा, मैं एक बात फ्रेंकली बताऊं कि मैं जब भी छुट्टी पाता हूं तो मैं ऐसी जगहों पे जाना चाहता हूं जहां मेरे अपने लोग हो। जैसे कानपुर शहर है, कोटा है, मेरी बड़ी मौसी शोभा मौसी ओह रहती है। हाँ, शोभा मौसी वाह और मंजू सर, मौसी कोटा मेरी में एक। तो मेरा भी ननिहाल है और मैं भी वहां अक्सर विजिट करता रहता हूँ। हाँ, तो बस। और कैलकटा में मंजू मौसी है, तो मैं हमेशा ओ प्रिफर करता हूँ जब छुट्टी होती है तो मैं इन्हीं लोगों के आसपास चला जाता हूँ, या दिल्ली चला जाता हूँ काम के सिलसिले में है वाह, कुछ भी, तो यही यही रहता है। मैं बहुत ज्यादा कहीं, हाँ बाकी काम के सिलसिले में हैदराबाद है, बैंगलोर है, चेन्नई है, सब मैं बहुत गया हूँ। ग्रेट सर। हाँ, जाऊंगा तो बस यही है कि तो कश्मीर वश्मीर जाऊंगा तो अच्छा शहर है और अच्छे लोग हैं वहाँ। ओके, तो ये भारत बहुत ही अच्छा आपने बताया सर। तो भारत के बाहर आप कहाँ घूमना चाहेंगे? के बाहर स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। वाह स्विट्जरलैंड। सर, और सर अभी तक सेलिब्रिटी कॉर्नर में यह आउटसाइड ऑफ इंडिया मोस्ट कॉमन आंसर लोग स्विट्जरलैंड ही देते हैं, और सच में बहुत ही सुंदर जगह है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर अब मेरा एक ये नया क्वेश्चन है कि अगर भगवान कभी आपके सामने प्रकट हो तो सर आप उनको कौन से रस से पूछना चाहेंगे? मीन्स क्या आप उन्हें साक्षी रस से पूछना चाहेंगे एज अ फ्रेंड, या फिर माधुर्य रस से एज अ प्रेमी, या फिर आप वात्सल्य रस से उनको एज अ बेटा, या फिर संत रस से उन्हें प्रभु मानकर, या दास्य रस से स्वामी मानकर? ये 5 रस हैं, आप किन से पूछना चाहेंगे? मेरा तो कॉन्शियस ही है, कोई मैं अपना भगवान मानता हूँ और यकीन मानता हूँ कि मेरे अंदर ईश्वर है। मेरी आत्मा अगर किसी चीज के लिए बोलती कि नहीं ये काम सही नहीं है
तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, मेरा कॉन्शियस ही बोलता है कि ये काम सही है, अच्छा है, तो मैं उसमें फिर कोई देखता ही नहीं, पड़ जाता हूँ। और मैं हमेशा एक मित्र की तरह देखता हूँ ईश्वर को, वाह। और हमेशा एक मित्र की सर तरह। ईश्वर मित्र की तरह आपकी मदद बिल्कुल करते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 क्योंकि सर उनसे अच्छा मित्र तो कोई हो ही नहीं सकता। त्वमेव माता बिल्कुल च पिता, त्वमेव बंधु च सखा, बिल्कुल, त्वमेव विद्या द्रवणम्, त्वमेव। तो सर तो इतना मैं उस सुंदर समय, श्लोक है, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब हाँ, अब तो सर उन्होंने मित्र मित्र का क्या भूमिका निभाई सुदामा के साथ, देखिए कहाँ से कहाँ राजा हाँ बना दिया। बिल्कुल अब सर, दूसरा मित्र था वो अर्जुन, अर्जुन को अर्जुन भटके हुए अर्जुन थे, जब पवन शुक्ला की तरह थे, जैसे हम भी हवा की तरह, हमें पता ही नहीं था क्या एक्टिंग करूंगा कि मैं वॉइसिंग करूंगा कि कहाँ जाऊं, तो उसको उंगली पकड़ के ले आए कानपुर से कि चलो तुमको मैं बताता हूँ रास्ता, भटके हुए तुम हमारे पार्थ हो पवन शुक्ला, आओ चलो हम बताते हैं, चलो मेरा ये काम है करो, ये कृष्ण की पहले तुम करो, फिर आगे हम देखते हैं क्या करना है, फिर साईं बाबा से तुमसे कराएंगे। मतलब वाह। अपने आप उन्होंने उंगली पकड़ के मुझे ले आए, पवन नाम भी था, मैं भी भटक रहा था पवन की तरह, उन्होंने उंगली पकड़ के सीधा कानपुर से बम्बई, और बम्बई से सीधा वो भी बॉलीवुड, मतलब इतनी मतलब चमक दमक वाली दुनिया, कहाँ कानपुर का सीधा साधा लड़का और कहाँ बॉलीवुड में इतना सारा काम कर लिया, तो ये सब उनका ही बिल्कुल सर, आशीर्वाद। हाँ बिल्कुल सर। और भगवान खुद भी कहते हैं भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 11 में, बिल्कुल तेषाम एवानुकम्पार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। माने अगर कोई वाह, भी अपना निश्चित कर्म करने के लिए या मुझे अप्रोच करता है, मुझे सरेंडर करता है, तो मैं उन्हें के हृदय में व्यास कर उनका अज्ञान एक दीपक की तरह मिटा देता हूँ। और सर वही हम सबके साथ भगवान करते हैं। बहुत ही सुंदर सा बिल्कुल, यह आंसर था। बहुत अच्छा, तो तुमने बहुत ही सुंदर उसका व्याख्यान किया है, बड़ा प्यारा बोला है, और तुम्हें बड़ी नॉलेज है भाई गीता की, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बहुत। धन्यवाद सर। सर तो यहाँ पर चलिए ये राउंड एंड करते हैं। और आपके मेरे पास आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन है कि सर जैसे नायक में भी आपने बहुत अग्रणी रोल किया है, तो सर उसमें आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि एक दिन का सीएम नहीं, अगर आपको हम देश का एक दिन का प्रधानमंत्री बना दें, तो आप क्या क्या चीज करेंगे उस दिन में? आपके पास भी खाली 12 घंटे ही रहेंगे, तो आप क्या काम बिल्कुल, तो करेंगे? वो फिल्म भी मैंने अनिल कपूर जी के लिए डब की थी, जी नायक रिश्ते, और हालांकि वो सेंसर प्रिंट के लिए थी, तो सर, मैं तो उसमें डेफिनेटली आपने डबिंग किसकी की थी? मीन्स अनिल सर अनिल कपूर, की अनिल थी? कपूर, अनिल कपूर, ओ सर, वो आप हाँ थे हाँ 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 लेकिन सर। वो दैट मैंने वाज वो सेंसर सर प्रिंट मैंने के लिए। वो हाँ फिल्म सर मैंने वो फिल्म मोर देन 100 टाइम्स देखी है। मेरी फेवरेट है वो। बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म। फिर रिश्ते में मैंने उनके लिए किया था, फिर एक फिल्म थी विरासत, उसमें तो शायद मेरी वॉइस रखी ही गई थी क्योंकि अनिल जी के पास टाइम ही नहीं था उस समय, विरासत में एंड के सीन में पर्से से अपने भाई की गर्दन काट देते हैं और रोते हैं चिल्लाते हैं, तो वहां पे पायलट ट्रैक था ही नहीं, पायलट ट्रैक शायद तुम समझ रहे हो कि जो एक शूटिंग के जो एक रश प्रिंट्स होते हैं जिसमें हल्की हल्की हाँ धुंधली आवाज आती है, उसको फिर हमने जी साउंड प्रूफ रूम में डब करते हैं, तो वो कुछ था ही नहीं, केवल वो लिप चल रहे हैं बस, क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं। ओके तो राही अपना वो थे मुंशी रियाज साहब, उन्होंने कहा बेटा मेरी मदद करो, वो भी लखनऊ कानपुर के ही हैं, तो हमने कहा बताइए तो कुछ तो बताइए, अनिल जी ने क्या बोला, तो कह रहे हैं बेटा कुछ नहीं मालूम, मैंने कहा स्क्रिप्ट दीजिए कुछ तो आइडिया दीजिए, तो रफली उन्होंने थोड़ा बहुत बताया कि तुम लोग लड़ाई झगड़ा ना करो गांव वालों, और तो प्यार से रहो, अपने बच्चों को शिक्षा दो, हमने कहा बस बस अब बाकी हम कर लेंगे। 3 दिन लग गए मुझे लिप पकड़ने में कि क्या बोला है, लिखा तीन ओ दिन 3 दिन स्क्रिप्ट लिखी कि एक एक वर्ड पकड़ के क्या बोला होगा अनिल जी ने। उसके बाद अनिल जी जिस दिन मैं कर रहा था चौथे पांचवे दिन, तो अनिल जी आके बैठ गए थे तो पीछे, तो ओ अचानक मैं पलटा तो देखा अनिल कपूर बैठे, हमने कहा अरे, तो तब फिर टहलते हुए आए अंदर आए, तो पूछने लगे नाम क्या है आपका, क्या करते हैं, मैंने कहा पवन शुक्ला एक्टर हूँ, कहने लगे भाई मेरी आवाज की कॉपी तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन जो फील और इमोशंस की कॉपी, आपने जो इमोशंस पकड़े हैं गजब, मान गया। फिर वो हमें गाड़ी के साथ, गाड़ी में बैठा के भी ले गए, फिर ओ आनंद डब, आनंद डबिंग थिएटर में उनका मेरी फिल्म है जिसमें श्रीदेवी जी थी और उर्मिला मातोंडकर थी, उसमें बॉस बने थी अनिल जी के, ओ बॉस था यंग लड़का था, उसकी डबिंग उन्होंने कहा कि आप करें, तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। तो आज सलमान खान वाह की थी, सलमान खान की पहली फिल्म तो मेरी ही आवाज है, बीबी हो तो ऐसी, ओ
हाँ उसके बाद बीबी नंबर वन में भी मैंने आवाज दी थी फॉर सेंसर प्रिंट, और औजार में भी मैंने उनके लिए आवाज दी थी फॉर सेंसर प्रिंट, वाह और बीबी हो तो ऐसी भी है ही है ये। वाह ग्रेट हाँ सर। तो सर आप बताइए कि एक दिन का अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं बिल्कुल वही करूंगा जो ईमानदारी के साथ अनिल कपूर जी ने किया था। हर जगह बिल्कुल एक शिकायत बॉक्स रखूंगा और इमीडिएटली हर घंटे से कहूंगा लोगों को लेके आओ, कई डिपार्टमेंट में फैला दूंगा कि भाई पढ़ो सबकी शिकायतें, नोट डाउन करो, जो सच में शिकायत के लायक है उनको फटाफट लाओ, उनको फौरन क्रियान्वित करो फौरन के फौरन। तो ये बिल्कुल सही जो किया गया था उसमें फिल्म में बिल्कुल, क्योंकि एक दिन में आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम जो कर सकते हैं आप कि कितनी वो जल्दी से जल्दी जो कर सके आप, तो कुछ वाह ऐसा करके दिखा दे, क्योंकि एक दिन 24 घंटे मिले हैं आपको, आप उसमें बेस्ट जो देश के लिए आप कर सकते हैं, जो प्रदेश के लिए कर सकते हैं वो करें आप। ग्रेट सर। और सर यहाँ पर मेरा एक और सवाल आ रहा है, हालांकि वो हमारा सेक्शन हो चुका है, बट देन टू आई लास्ट कि सर आपने कहा बीवी हो तो ऐसी, और बीवी हो तो बीवी नंबर वन आपने दो फिल्में सलमान खान सर के लिए की हैं, तो सर उसने सेट पर ऐसा कोई वाकया हुआ या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जो आपको याद करते हैं तो हंसी आती हो और अभी तक वो इंसिडेंट याद हो, ऐसा कोई इंसिडेंट? हंसी तो नहीं, लेकिन हाँ जैसे स्टूडियो में हम कर रहे थे, मुझे बुला लिया था, बिहारी जी थे वहां पे डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा पवन आ जाए कल, हम लोग करते कर रहे एक फिल्म बीबी बीबी हो तो ऐसी, तो जरा एक यंग लड़का है सलमान करके, यंग लड़का है उसकी डबिंग करनी है तो आ जाओ। तो मैं पहुंच गया 10 बजे, बी आर डबिंग थिएटर, बीआर चोपड़ा जी का, तो वहां पहुंच गया तो मैंने देखा कि हीरो जो लड़का पतला दुबला सा स्क्रीन पे दिख रहा था वही कर रहा है अपनी डबिंग, और सुबह से लगा हुआ है, सुबह से लगा हुआ है, एक सीन नहीं कर पा रहा है ढंग से, कभी एक लाइन होती है तो दूसरी लाइन बिगड़ जाती है, दूसरी होती है तो पहली बिगड़ जाती है, तो ऐसे लगा हुआ था लगा हुआ। तो 1-2 घंटे बाद मैंने बिहारी जी से बोला ना कि क्या सर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको अपने हीरो से ही कराना है तो व्हाई यू हैव कॉल्ड मी, हमें जाने दीजिए छोड़िए। कह रहे अरे भाई समझा करो, वो सलीम भाई के बेटे, तो सलीम भाई से किसी को क्या समझ में आएगा। तो मैंने कहा कौन सलीम भाई, कह रहे अरे भाई वो सलीम जावेद वाले सलीम भाई। हमने कहा ओहो, हमने कहा करते रहिए आप एक्सपेरिमेंट। तो फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने रियलाइज किया और फिर गए सलमान भाई के पास, बोला कि सर ऐसा है कि इनको हमने आपकी डबिंग के लिए बुलाया था, इनको भी बुलाया था, तो क्या हम इनसे एक बार ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ यार हाँ वाई नॉट वाई नॉट वाई नॉट, और बैठ गए वहां पे। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने एक बार सुना और मैंने धड़ाक से पूरा का पूरा सीन एक बार में कर दिया, क्योंकि सुबह से तो मैं देख रहा था, सुबह से मैं देख रहा था, तो एक ही बार में मैंने पूरा सीन कर दिया। तो सलमान भाई उठे एकदम, कह रहे कीप इट अप की, और कह के चले गए सीधा, ये भी नहीं बोले कि मैं करूंगा कि ये करेंगे, इतना सेटिस्फाइड हो गए थे पहली बार में, कहने लगे अब मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बेस्ट है इनसे ही कराइए आप, निकल वाह ग्रेट गए। सर। ये हुआ। सच में तो आप वापस आते हैं हमारे सेक्शन पर। तो हाँ सर बचपन में हर इंसान का कुछ ना कुछ सपना होता है और कुछ लोगों के पूरे होते हैं कुछ के नहीं होते हैं, तो सर बिल्कुल, बचपन में आपका क्या सपना था ये जानना चाहेंगे? मैं तो पहले तो एयरफोर्स में जाना चाहता था जब मैं बहुत छोटा था, फोटो भी खिंचाई थी, ओ छोटा बच्चा था और यूं करके फोटो खिंचाई थी, तो प्लेन देखता था तो मैं बहुत एक्साइटेड होता, बड़ा ही उछलने लगता था, छोटा सा था तो मैं जाना चाहता था, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मेरे पापा जिंदा होते, अगर वो, तो मैं पक्की बात है एक टॉप का सर्जन होता उनके अंडर में 100%, लेकिन ओ क्योंकि क्योंकि वो वहां कानपुर में उनका देहांत हो गया, तो फिर माँ यहाँ थी बम्बई में, तो माँ फिल्म लाइन में थी, तो किसी तरीके से कुछ ईश्वर ने हाथ पकड़ के वही रास्ता दिखा के बम्बई ले आए। बम्बई में ऑप्शन कुछ नहीं था, पढ़ाई लड़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ाई लड़ाई जब तक की बहुत ईमानदारी से की, अच्छी की, उसके बाद जब लगा कि पढ़ाई से हमारा कुछ होने वाला नहीं है, हमें कौन सा डॉक्टर बनना है या कौन सा इंजीनियर बनना है, तो क्या करें, तो बस एक्टिंग में लगे, तो बहुत तारीफें मिलने लगी, सब कुछ मिलने, तो रास्ता वाह ईश्वर ने दिखाया, बस एक्टिंग में जिधर हवा बही उधर पवन चल दिए बस। बिल्कुल ग्रेट सर। तो सर आप ऐसी एक कोई चीज बताइए जो आप करना चाहते थे या करना चाहते हैं या कर नहीं और कर नहीं पाए, कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते थे हाँ और कर नहीं? एक कहानी थी मेरी, मैं प्रोपराइटर भी था एक कॉस्मोस प्रेजेंटेशन करके, वो
उसमें शस्त्र मेरी कहानी थी और मैं ही उसे प्रोड्यूस प्रोड्यूस कर रहा था। तो सपना तो है आज नहीं तो कल की फिल्म प्रोड्यूस करूंगा या कुछ डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि तो अभी इतने बिल्कुल सालों रहते रहते काफी नॉलेज हो गई फिल्म इंडस्ट्री की, तो बिल्कुल ऐसा मौका मिला तो बिल्कुल करूंगा इसी क्षेत्र में कुछ ना कुछ, बिल्कुल सही। या देश के लिए अगर मुझे कुछ करना पड़ा तो मैं डेफिनेटली, क्योंकि मेरे नाना जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, एमएलसी कई साल रहे ओ हैं, बिल्कुल राजा राम शास्त्री जी, तो मैं डेफिनेटली अगर मुझे कहीं अच्छा काम करने का, देश के लिए कुछ काम करने का मौका मिला, आम आदमियों के लिए काम करने का मौका मिला, तो मैं डेफिनेटली पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा, कुछ बेहतर करने की कोशिश करूंगा देश के लिए। वाह सर ग्रेट। और अब ऐसी कोई चीज जो आप नहीं करना चाहते थे फिर भी आपने करी और आपको बाद में वह अच्छी लगने लगी, ऐसी कोई चीज? ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जो की जो गलत थी और मैं करने लगा और वो मुझे अच्छी लगने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो गलत ओ जो है वो तो गलत ही है, तो वो सब हट गई गलत चीजें अपने आप ही रास्ते से। वाह। तो सर आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, आपकी जो ताकत है? ताकत मेरी कॉन्फिडेंस है, ईश्वर पे विश्वास है, और ये विश्वास है कि मैं जो भी काम करूंगा पूरी ईमानदारी के साथ और बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करूंगा, उसमें हार बिल्कुल सर हार हार सोच के नहीं करता, बिल्कुल पॉजिटिव वे में काम करता हूं उसका नाम लेके, ईश्वर का। वाह। तो सर अब ये आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप बताना चाहें कि आपकी वीकनेसेस क्या क्या है? वीकनेसेस, अब क्योंकि हम इंसान हैं एक आम आदमी हैं, तो 500 वीकनेस होती हैं, बहुत इमोशनल भी होते हैं, बड़ी जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको ठोकरें लगती हैं, आप गिरते हैं, आपको चोट लगती है, लेकिन बच्चा कैसे छोटा सा होता है, दौड़ना नहीं भूलता है, चलना नहीं छोड़ता बिल्कुल है, ठोकरें लगती हैं लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है, चलता है, भागता है, तो बच्चों की तरह रहना चाहिए। चींटी कितनी बार एक छोटा सा दांत मुंह में दबा के, कितनी बार आप ऑब्जर्व करिए कितनी बार गिरती है, फिर चढ़ने की कोशिश करती है, फिर गिरती है, लेकिन वो शक्कर का एक ढेला लेके जाती है, चढ़ती है, देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं कि गिरने के डर से प्रयास करना छोड़ देती है। तो मैं तो हमेशा ही बिल्कुल सर मानता हूं कि लोग गिरे नहीं, और जीवन में एक बात बताऊं मैं, इंसान को हमेशा सक्सेस मिलती जाए, सक्सेस मिलती जाए, और हमेशा तो ये अच्छा नहीं है, कभी कभी फेलियर भी एहसास करना चाहिए कि फेलियर क्या होता है, और फेलियर होके फिर पूरी ईमानदारी के साथ फिर 2 कदम पीछे हटके फिर छलांग मारी, आप फिर तगड़ी कोशिश करिए, ये नहीं कि फेलियर से आप हताश हो जाओ, निराश हो जाओ, 2 कदम पीछे हटके, तो फेलियर को जिसने जब्त करना सीख लिया ना, खुशियां तो सब बर्दाश्त कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, सक्सेस बर्दाश्त कर लेते हैं, नहीं फेलियर हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो फेलियर से सीखने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए, और जबरदस्त छलांग और लंबी लगानी चाहिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ, बिना कोई खामी के, बिना कोई कमी के। वाह। सच में सर आपने बहुत ही ग्रेट चीज कही कि इंसान को कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। और सर इसके लिए मार्टिन लूथर किंग सर ने भी कहा है कि इफ यू कैन नॉट रन वॉक, इफ यू कैन नॉट वॉक क्रॉल सो बट डोंट नेवर स्टॉप मूविंग। माने आगे बढ़ना कभी भी आपको रुकना नहीं चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए, प्रयास करते हमें रहने चाहिए। तो सर अब आपसे पूछना चाहूंगा कि आज के जितने भी बच्चे हैं या युवा पीढ़ी है उनमें संस्कृति जो है भारतीय संस्कृति वह कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है, तो बिल्कुल इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप लुप्त तो हो ही रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता की ओर झुकाव ज्यादा है, तो मैं कहूंगा कि लौटिए अपने 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 शास्त्रों की तरफ, देखें अपने पुरुषोत्तम राम को, देखें कृष्ण को, देखें साईं को, देखें, अपने बहुत कुछ है सीखने के लिए, पूरा हम लोगों को मिसगाइड किया गया है, ये फॉरनर्स आए, ब्रिटिशर्स ने राज किया, जी सब कुछ किया, इतना फैला हुआ देश, और यहाँ पर हुआ क्या कि हम लोग इमोशनली बहुत कमजोर हैं, धर्म के नाम पे लड़ा दिए जाते हैं, जात के नाम पे लड़ा दिए जाते हैं, सालों साल से हम लोग यही करते आए, लड़ते आए, और जी हम लोग में वीकनेस ये है कि हम इतने इतने कमजोर हैं कि जैसे मैंने हमेशा देखा, एक फिलोसफर ने कहा है कि अगर किसी ने जिंदगी में एक लाइन खींची है लंबी सी, तो होता क्या है कि हम टांग पकड़ के उसे खींचने लगते हैं, उस लाइन को रब करने की कोशिश करते हैं, अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं उसे रब करने में, उसे छोटा करने में, इंसान को नीचे गिराने में। अरे भाई, इंसान को अगर नीचे गिराना है
तो लाइन जो खींची है उसने जिंदगी में सक्सेस की, उसके बगल में एक लंबी सी लाइन खींच दो ना, तो वो अपने आप छोटी हो जाएगी। अपने एनर्जी उसको रब करने में क्यों कर रहे हो, उसको नीचा घसीटने में क्यों लगा रहे हो? आप खुद बड़े बन जाओ तो अपने आप वो छोटा हो जाएगा। तो ये सबको समझनी चाहिए, हर बच्चे को, हर जवान को, देश के सारे लोगों को, कि भाई अपने आप को बनाने की कोशिश करो, कंपटीशन करो स्वयं से। अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है, बिल्कुल शास्त्रों में कहा गया है कि जो है हम खुद हैं भाई, पहले अपने आप को संवारे आप। बिल्कुल सर, और सच में आपने बिल्कुल सही कहा। अब भारत में हमें धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लड़ा दिया जाता है, जबकि भगवान खुद भगवत गीता अध्याय 4 के श्लोक 13 में कहते हैं, चतुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्मा विभाग सह तस्य कर्तारम अपिमाम विद्य कर्तारम अव्ययम। और साथ में आप पाश्चात्य देशों में देखें तो वह क्या कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन पर वह नाच रहे हैं, हल्दी का दूध पी रहे हैं, पत्तल दोने में खाना खा रहे हैं। और अब आजकल भारत में टूथपेस्ट वाले पूछते हैं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, और अब अगर यही ब्रिटिश राज में होता तो हम सबको पता है कि लोगों का क्या रिएक्शन होता, अगर कोई उस समय हमारी संस्कृति को अपना रहा होता। और सच में सर, हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस हुए हैं ब्रिटिशर्स से, बट हमें वो नहीं होना चाहिए, हमें अपनी भारतीय संस्कृति पर अड़ग रहना चाहिए। तो सर, एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट, बहुत सारे आजकल भारत में बच्चे जो वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं बट उन्हें सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट के लिए? पहले तो मैं ये कहूंगा कि लैंग्वेज पे कमांड करना सीखे, हिंदी एकदम संस्कृताइज हिंदी सीखे तो बिल्कुल बहुत बढ़िया हिंदी। फिर उर्दू का ज्ञान, तलफ्फुज, नुक्ते, वो सब भी बहुत जरूरी है। इंग्लिश की भी थोड़ी नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल नेटफ्लिक्स, अमेज़न और जितने भी ओटीटी चैनल्स, प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब में इंग्लिश होने लगी है। तो पहले तो अपनी भाषा पे आप कमांड करें, और उसके बाद आए लोग अपने जगह पे, जहाँ पे भी हैं आप, जिस भी शहर में हैं वहां, या तो सीखे काबिल लोगों से, या यहाँ आए, यहाँ मार्गदर्शन चाहिए तो हम कर सकते हैं, दूसरे और क्लासेस हैं, अच्छी क्लासेस हैं, तो वहां पे आप सीखें, बिल्कुल वॉइसिंग करें। लेकिन डिक्शन तो आपको ही सुधारना पड़ेगा। जैसे मुझसे एक बार एक शख्स हैं सीखने के लिए आए थे, वो बिहार से थे, तो मैं उन्हें कहता था स्नान, बोलो स्नान, तो वो कहता कहते थे स्नान, मैं कहता स्नान नहीं स्नान, तो कहते थे वो बोल रहा हूँ स्नान। तो ये फर्क भी समझ में आना चाहिए उसको, ये फर्क ही नहीं समझ में आया। मैं कह रहा हूँ उसे स्नान, तो कह रहा स्नान, कह रहा स्नान बोल तो रहा हूँ स्नान, मैंने कहा स्नान नहीं स्नान। तो ये छोटी छोटी क्योंकि हर शहर में कहीं ना कहीं डिक्शन अलग अलग रहता है। जैसे कि अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में देखें, आप खुद कानपुर से हैं, आपको पता होगा, फिर बिहार साइड में मीन्स कैलकटा साइड में अगर हम देखें तो वहां पर अलग डिक्शन होता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में। हमारा भारत तो विविधताओं से भरा हुआ है, बिल्कुल मीन्स हमें, लेकिन एक है हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी में भी भारत को कहा जाता है। तो सच में डिक्शन सुधारना, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट कहा सर। तो अभी हमारी बेटी है, उसका नाम है समृद्धि, समृद्धि बड़ी बेटी है, तो यहाँ महाराष्ट्र में उसे बोलते हैं समृद्धि, समृद्धि, जबकि है प्रोनाउंसिएशन से समृद्धि, प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, लेकिन समृद्धि बोलते हैं, री होता ही नहीं, रू होता है महाराष्ट्र में। बिल्कुल सर, आपने कहा और हमें एक बहुत ही अच्छी आपने यहाँ पर टिप्स दी। तो जितने भी अगर आपको भी वॉइस आर्टिस्ट बनना है तो आप इन टिप्स को जरूर फॉलो करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सर, सच में आपसे आज बात कर हमें बहुत ही आनंद आया, हम सब आपकी आवाज सुनकर बहुत ही मुझे भी तुम्हारे हो गए सर, मुझे भी तुम्हारी प्यारी प्यारी आवाज में गीता के इतने प्यारे प्यारे श्लोक, उनका भावार्थ समझा, तुमसे सीखा, बहुत कुछ जाना, संस्कृत तुम्हारी कितनी अच्छी है। और मैं अपने छोटे छोटे जितने भी देश के बच्चे हैं सबको कहना चाहूंगा कि थोड़ी हिंदी, संस्कृताइज हिंदी या संस्कृत का भी नॉलेज बहुत जरूरी है, जिससे आप अपने वेद पढ़ सकें, गीता पढ़ सकें, रामायण पढ़ सकें, अच्छी तरह उनको समझ सकें, तो बहुत जरूरी है, थोड़ा नॉलेज बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, बस जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस समाज को, सोसाइटी को, भारत को?
हाँ यही मैंने कहा कि जाति पाति के नाम पर या ऊंच नीच के नाम पे हमको बहुत लड़ा लिया। पहले तो विदेशों से आए लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने और दुनिया के अलग लोगों ने मुल्क में आके लूटा हमारे मुल्क को, सब कुछ किया। अब वही हमारे राजनेता कर रहे हैं। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कैसे भी हो, वही कर रहे हैं। कुछ मुद्दे हैं जो हमेशा बना के रखती है सरकारें। पाकिस्तान से ऐसा नहीं है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मित्रवत हैं, चाहते हैं एक दूसरे को, लेकिन कुछ मुद्दे हमेशा बना के ही रखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की सरकार हो चाहे हिंदुस्तान की सरकार। लेकिन हमको तो अपने देश में शांति चाहिए, इसलिए आप लोग कम से कम इस चीजों में ना पड़े, जात पात में ना पड़े, धर्म के नाम पर ना पड़े, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करें, प्यार से रहें, प्रेम से। बिल्कुल। और सर गीता भी यही संदेश देती है कि बिल्कुल हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा खुद कहते हैं अहम बीज प्रदत पिता, तो हम सब उनके ही बच्चे हैं परमात्मा के। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यह पूरा बिल्कुल विश्व एक परिवार है, तो परिवार की तरह ही रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिल्कुल आपने हमें इतना सारा ज्ञान दिया, हमने आपकी इतनी मधुर आवाज सुनी, और ये हमारा सौभाग्य है कि आप सेलिब्रिटी कॉर्नर में आए। और सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभी, थैंक यू, थैंक यू सारे मध्य प्रदेश वालों को, सबको मेरा प्रणाम। थैंक थैंक यू यू, सो मच सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो मित्रों अब लेते हैं सेलिब्रिटी कॉर्नर में एक नया फैक्ट। ओ तो आज यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि फैक्ट ये है कि आज से सेलिब्रिटी कॉर्नर में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके जवाब आप मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो थैंक यू जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े आप, थैंक यू सो मच। तो आज का क्वेश्चन यह है कि आज 24th है, 24th फरवरी 2021, तो आज का दिन खास क्यों है? आज के दिन में ऐसी क्या खासियत है, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। तो आप में से कोई है जो मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकता है कि आज के दिन में क्या खास है? क्या कोई जानता है? मुझे अभी तक यहाँ पर कोई जवाब नहीं मिला है, तो चलिए इस सवाल का उत्तर मैं ही बता देता हूं। तो मित्रों आज है वराह द्वादशी। आप लोग सोच रहे होंगे यह वराह द्वादशी क्या है? तो मित्रों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वराह द्वादशी वह है जिस दिन भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह देव उत्पन्न हुए थे, मीन्स आए थे, वह अवतार लिया था उन्होंने, ब्रह्मा जी की नाव से वह आए थे, और उन्होंने गर्भोदक सागर में हमारी धरती डूब रही थी उसे अपनी नाक पर लेकर, एक स्वर्ग अवतार में वह आए थे, उसे अपनी नाक पर लेकर उन्होंने धरती को बचाया था वराह देव ने। तो मित्रों इसलिए ही आज वराह द्वादशी है क्योंकि आज शुक्ल पक्ष की द्वादशी है माधव मास की, तो इसलिए ही इसे वराह द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। सो ये आपके लिए एक बहुत ही मेरे हिसाब से अच्छा फैक्ट रहा होगा। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग मेरे साथ पूरे शो में जुड़े रहे, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज हमारे साथ थे पवन सर करीब से, हमने बहुत सारी बातें इनके एक्सपीरियंसेस जाने, इनसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल भी पूछे, साथ ही साथ इनकी मधुर और मेसमराइजिंग आवाज भी हमने सुनी। तो चलिए अब मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, हरे कृष्णा, हरे बोल, जय श्री कृष्ण।